हम अक्सर अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमारी ट्रैवल ड्रीम लिस्ट केवल ड्रीम ही बनकर रह जाती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में किताबें आपको इतना नहीं सिखा पाती जितना आप एक सफ़र में सीखते हैं, इंग्लिश वाला सफ़र नहीं, हिंदी वाला। तो कुछ नया सीखने हम निकल पड़े हैं अपनी नई जर्नी पर। हाई एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द ट्रिप ऑफ वेज शो। पहले हमें लगा सकते हैं। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं कोची और हम यहाँ से देखते हैं अभी टैक्सी करेंगे। आई थिंक वी आर गोइंग टू टेक टैक्सी और या फिर यहाँ से जाती हैं मेट्रो, मेट्रो से फिर वहाँ से चलती हैं बसेस। तो विल सी कि हम लोग क्या करने वाले हैं। तो फाइनली अभी हम लोगों ने करी है कैब बुक यहाँ से, और यहाँ से कैसे जाना है आपको एलेप्पी तक, कोची एयरपोर्ट अगर आप आते हो तो वहाँ से कैसे जाना है, क्या फेयर है, क्या चार्जेस हैं, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा अंत तक, लास्ट तक। तो ये पूरी वीडियो देखिएगा लास्ट तक। राइट नाउ इट्स 4 PM। हम लोग जो है अपने होटल में चेक इन कर चुके थे सुबह के टाइम पे। उसके बाद हम लोगों ने फिर अपना खाना वगैरह खाया और फिर 3-4 घंटे की नैप लेने के बाद में नाउ वी आर फीलिंग अ बिट फ्रेश। और मैं अपना ऑब्वियसली आपको होटल क्या है, दिस इज़ अ होम स्टे एक्चुअली, बीच होम स्टे, एंड दिस प्रॉपर्टी इज़ राइट नेक्स्ट टू बीच। और यहाँ का बीच जो है दैट इज़ वाइट सैंड, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना सुंदर बीच यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ से, सामने बिल्कुल बीच है, वाइट सैंड बीच, और बहुत ही कम भीड़ है अभी यहाँ पे। एक्चुअली कह रहे हैं ये मेन बीच नहीं है, दिस इज़ द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द मेन बीच, एलेप्पी बीच है। अगर आप इसी पे जाते रहोगे तो आगे जो है मेन बीच, एलेप्पी बीच जो है वो आ जाता है, यहाँ पे वो है। और यहाँ पे हमारे रूम के साथ में है ये अटैच्ड बालकनी जहाँ पे अनिकेत जो है दोपहर से अपनी बुक लेकर बैठे हैं। ही इज़ स्पेंडिंग हिज टाइम वेरी वेल अपनी बुक के साथ में। और ये है हमारी रूम के साथ जो अटैच्ड बालकनी हमें मिली है, ये हम लोग का रूम है। यहाँ से भी जो है डायरेक्ट बीच व्यू दिखता है। तो ये बालकनी के साथ में यहाँ पे एक और ऐसे एक्सटेंडेड एरिया है जहाँ पे आप बैठ सकते हो। और ऐसे हैं कुछ यहाँ के रूम्स। ये हमारा रूम नहीं है, ये दूसरा रूम है, बट हमारे वाला भी जस्ट सिमिलर है। तो रूम्स आर क्वाइट बेसिक, बट एक्चुअली जो यहाँ की ब्यूटी है वो है यहाँ का व्यू। यहाँ का ओनर इज सुपर फ्रेंडली, मैं उनसे भी अभी आपको मिलवाती हूँ। तो अभी हम लोग का प्लान कुछ ऐसा है कि यहाँ से हम लोग आ जाएंगे सामने वाले बीच पे, सनसेट देखेंगे, यहाँ से बहुत प्यारा सनसेट होता है। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे सनसेट, और आज का बस इतना ही प्लान है। थोड़ा सा चिल वाला डे है ये हम लोगों के लिए, क्योंकि ऑलरेडी इतना थक चुके थे तो हम ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं करना चाहते। तो अभी बात करते हैं कि हम लोग जो है यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। वैसे तो मैं ये वीडियो के एंड में बताने वाली थी, लेकिन यार अभी मैं खाली बैठी हूँ, अभी हम लोग खाली बैठे हैं जस्ट। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग जो है कोची से अगर आप आते हो तो आप एलेप्पी तक कैसे आ सकते हो। तो यहाँ पे आने के लिए आपको जो है
सबसे पहला ऑप्शन, जैसे ही आप एयरपोर्ट पर लैंड करते हो, अगर आप कोची एयरपोर्ट पर आते हो, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलता है एक प्रीपेड टैक्सी का. प्रीपेड टैक्सी आपको लेगी यहाँ तक के अराउंड 3,000 rupees, विच इज़ क्वाइट हाई ऑब्वियसली, बट वहाँ पे फिक्स रेट है प्रीपेड टैक्सी के लिए, दैट इज़ 3,000, जो आपको LAP में ला के छोड़ेगी. दूसरा ऑप्शन होता है आपके पास कि आप वहाँ से बस मिलती है एयरपोर्ट से ही, वो बसेस जो हैं वो जाती हैं एर्नाकुलम. एर्नाकुलम जाने के बाद में आपको फिर वहाँ से आप दूसरी बसेस कर सकते हो LAP के लिए. और जो बसेस एयरपोर्ट से एर्नाकुलम के लिए छोड़ती हैं वो लेती हैं 50 rupees, और जो एर्नाकुलम से आगे LAP छोड़ेंगी दे विल टेक अराउंड 200 to 300 rupees. सो दैट इज़ योर सेकेंड ऑप्शन. और तीसरा ऑप्शन एक बीच का रास्ता जो कि हम लोगों ने चूज़ किया था, दैट वॉज कि आप वहाँ से ओला इंटरसिटी या फिर ऊबर इंटरसिटी कैब्स बुक कर सकते हो, एंड दे टेक्स अराउंड 1500 rupees, और आपको वहाँ से जो है डायरेक्ट अपनी ओला बुक करके आ सकते हो. तो ये तीन ऑप्शन है आपके पास कोची एयरपोर्ट से LAP तक आने के लिए. अभी उसके बाद बात करते हैं कि जिस प्रॉपर्टी में हम लोग रुके हुए हैं ये कहाँ पे है. सो दिस इज़ राइट नेक्स्ट टू LAP बीच, जो कि मैंने आपको अभी दिखा दिया. इसका प्राइस क्या है, तो अभी एट प्रेजेंट आज के दिन पे पीक सीजन में, पीक सीजन मतलब इसका दिसंबर जनवरी होता है, इट इज़ जस्ट फॉर 750 rupees. तो ये जो रूम है, ये जो व्यू है और ये जो एम्बियंस है, ये सब हमें मिला केवल 750 rupees में. तो मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आप आना चाहो तो यू मस्ट कम टू दिस प्लेस. तो ये थी हमारी कहाँ रुकना चाहिए, कैसे आना चाहिए, ये हुई हमारी उसकी बात. अभी हम लोग यहाँ पे और क्या क्या देखेंगे, तो देखिए प्लान कुछ ऐसा है कि इस बार हम लोग का LAP में रादर देन बीच होपिंग, हम लोगों का प्लान है कैनाल्स बैक वाटर्स देखने का, विच इज़ LAP फेमस फॉर. उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी जो है शिकारा बोट बुक कर ली है, जो कि हमें यहाँ के जो ओनर है, जो होस्ट हैं, उन्होंने ही करवा के दिए. तो अभी कल हम लोग वहाँ जाएंगे और आज जो है वहाँ पर चलेंगे. कैमरा में कुछ ऑडियो सेटिंग की वजह से हमारे आगे की वीडियोस में साउंड ही नहीं आ पाई, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे बड़े बड़े ट्रिप पे छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं. तो मैं आपको बताती हूँ कि हमने आगे क्या क्या किया. शाम को हम निकले अपने होमस्टे के आसपास का एरिया एक्सप्लोर करने, और एक लोकल शॉप से हमने कुछ स्नैक्स लिए, क्योंकि सनसेट के साथ में कुछ खाने को भी हो तो सनसेट का मज़ा और ज़्यादा ही बढ़ जाता है. और फिर रास्ते में हमारी नज़र इस सुंदर से बीच साइड कैफ़े पे पड़ी, और इसकी वाइब कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी, तो एक बार अंदर जाना तो बनता ही था. और सिर्फ वाइब ही नहीं, बल्कि यहाँ का खाना और भी ज़्यादा अच्छा था. वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूँ कि LAP बीच पर सिर्फ ये एक ही कैफ़े है. और फिर उसके बाद टाइम था दिन के सबसे अच्छे मोमेंट का, यस, सनसेट टाइम. और सच में सनसेट और सनराइज़ में ना कुछ अलग ही बात होती है. आप पूरे दिन में कितने भी थके हुए हो, लेकिन जब आप ये सुंदर सा आसमान देखते हो ना, तो आपकी सारी थकान दूर हो जाती है. और फिर हमने थोड़ा फ्रिस्बी भी ट्राई किया हमारे होमस्टे के होस्ट आसिम और उनके फ्रेंड्स के साथ में. असीम इज़ अ वेरी गुड फ्रिस्बी प्लेयर, और उनकी एक पूरी फ्रिस्बी की टीम भी है, एंड ऑल्सो इज़ एन एनिमल लवर. नॉट बैड. डॉल्फिन. सीरियसली उधर डॉल्फिन है यहाँ पे किनारे तक. स्पेशल रुपए दिए थे यहाँ पे हम ऐसे. हाँ यार, गोवा में हम इसके लिए स्पेशल बोट करके गए थे और यहाँ किनारे पे दिख गई. अरे वो साफ मनु चिप चिप नहीं है वैसे. हाँ वो रे डॉल्फिन. मोर डॉल्फिन. वन मोर डॉल्फिन. लॉन्ग हेयर
डॉल्फिन में लॉन्ग हेयर. Yay, finally. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में. और इस वीडियो को शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. आप लोग का प्यार जो है बहुत 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 ज़रूरी है, जो हमें मोटिवेट करता है आगे और भी घूमने के लिए, आपके लिए नई नई वीडियोज़ लाने के लिए. तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में. तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो. बाय बाय.